हेलो स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग लेसन 19, अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 176। व्हेन टाइम्स चेंज्ड। ओवर द इयर्स मैनी चेंजेस टूक प्लेस इन द विलेज। सम प्लेसेस कुड गेट वाटर फ्रॉम द कैनल। दे सेड द कैनल ब्रॉट वाटर फ्रॉम फार अवे वेयर अ डैम हैड बीन बिल्ट ऑन अ बिग रिवर। Then electricity came, switch on the button and there was light. People found that only one or two crops, like wheat and cotton, got better prices in the market. So most farmers began to grow only these. Soon we old friends, bajra and jowar and also vegetables were forgotten and dismissed. Even from Damji Bhai field, farmers even began to buy seeds from the market. People said they were new kinds of seeds. So farmer did not need to store seeds from the old crop. Now people in the village cooked and ate together only on very special days. As they ate, they would remember how tasty the food used to be in the past, fresh from the fields. When the seeds have changed, how could food ever taste the same? Damji Bhai was getting old. His son Hasmukh looked after the field and the family. Hasmukh was making a lot of money from farming. He rebuilt the old house. He brought new machines for farming. He used an electric motor to pump water. He bought a motorcycle to go to the city easily and also a tractor to plug the field. The tractor could do in a day what the bullocks would take many days to do. Hasmukh would say, "Now we are farming wisely. We grow only what we can sell in the market at a good price. With profits from our field, we can improve our life. We can make progress." Lying forgotten in the wooden box, I and the other seeds had our doubts. Is all this really progress? There is no longer any need for seeds like us and animals like the bullocks. After the tractor has come, even people who worked on the fields are no longer needed. How will they earn money? What will they live on? When time changed, matlab jab समय बदला है ना, तो क्या क्या चेंजेस आए इसमें यहाँ बताया गया है इस स्टोरी में। देखें, कुछ सालों में विलेज में बहुत सारे चेंजेस आए। कुछ प्लेसेस पर कैनल मीन्स होता है नहर, है ना, नहर का पानी पहुंच गया। कहते थे दूर किसी बिग रिवर पर बनाए गए डैम से ये वाटर यहाँ लाया गया था। फिर इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंच गई। बस बटन ऑन करो तो लाइट आ जाती थी। धीरे धीरे सब लोग एक या दो तरह के वीट और कॉटन, है ना, उसकी ही क्रॉप्स वो लोग ग्रो करने लगे, फसल उगाने लगे, जिन्हें बेचकर उनका ज्यादा फायदा होता था, प्रॉफिट होता था। तो दामजी भाई के खेतों में हम ज्वार बाजरे और वेजिटेबल्स की तो छुट्टी ही हो गई थी। फार्मर्स सीड्स को भी बाजार से खरीदने लगे थे। लोग कहते थे कि ये बीज नई तरह के बीज हैं, है ना, नई तरह के सीड्स हैं। अब फार्मर्स को ओल्ड सीड्स रखने की जरूरत नहीं थी। अब तो सिर्फ स्पेशल ओकेशंस पर ही, है ना, स्पेशल डेज जो होते थे उन पर ही मिलकर सारे लोग स्पेशल फूड पकाया करते थे। सब पुराने फूड को के स्वाद को, टेस्ट को याद करते थे। मगर सीड ही बदल गए तो टेस्ट कैसे ना बदले। फिर मार्केट से सब्जी खरीदी, सब्जी से घर की ताजी सब्जी का मजा थोड़े ही आ सकता है। दामजी भाई अब ओल्ड हो गए थे। उनका बेटा हसमुख फार्मिंग और घर का की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो संभालने लगा। हसमुख फार्मिंग से खूब प्रॉफिट कमा रहा था। उसने अपने ओल्ड हाउस को रीबिल्ड करके न्यू बना लिया था, है ना।
और फार्मिंग में भी नई नई थिंग्स का वो यूज करता था, मशीन्स का यूज करता था, वाटर के लिए वो मोटर पंप लगाता था, है ना, सिटी में आने जाने के लिए उसने मोटरसाइकिल खरीद ली थी, और फील्ड प्लग करने के लिए मतलब खेत जोतने के लिए उसने ट्रैक्टर खरीद लिया था। जो काम करने में बैलों को कई दिन लगते थे, खेतों में आप देखते होंगे विलेजेस में बैलों के माध्यम से, बुल के माध्यम से खेतों में जुताई होती है ना, तो अब ट्रैक्टर वो काम करने लगे थे। जो काम करने में बैलों को कई दिन लग जाते थे, वो काम ट्रैक्टर कुछ ही टाइम में कर लेता था। हसमुख कहता कि अब हम सोच समझ कर फार्मिंग कर रहे हैं और वही उगा रहे हैं जो मार्केट में सेल किया जा सके। प्रॉफिट के पैसे से हम अपनी लाइफ सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है, सुधार सकते हैं हम अपनी लाइफ को, है ना, फ्यूचर को। मगर बॉक्स में पड़े हम पुराने ओल्ड सीड्स को ऐसी तरक्की पर डाउट था। हम तो सोचते ही रह गए ये कैसी प्रोग्रेस है, ये कैसी प्रोग्रेस, हमारी और बैलों की तो छुट्टी ही हो गई। ट्रैक्टर ने फील्ड पर या खेत पर काम करने वालों को भी बेरोजगार कर दिया, ठीक है, जॉबलेस कर दिया। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये आप फाइंड करेंगे या डिस्कस करेंगे, ठीक है, और पेज नंबर 175 के जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स मैं डॉक्यूमेंट्री में अपलोड कर देती हूँ। ओके।